श्रेयस अय्यर ने तोड़ा विराट कोहली और गौतम गंभीर का रिकॉर्ड, आईपीएल में हासिल की ये उपलब्धि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक धमाकेदार अपडेट में। और यदि आप क्रिकेट लवर हैं और क्रिकेट से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली और गौतम गंभीर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि रोहित शर्मा और शिखर धवन की बराबरी कर ली है। दोस्तों आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में 3000 रन पूरे कर लिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय खिलाड़ी के तौर पर सबसे कम पारियों में 3000 रन बनाने के मामले में वे विराट कोहली और गौतम गंभीर से आगे निकल गए हैं। हालांकि कई अन्य खिलाड़ियों से अभी भी काफी पीछे रह गए हैं। केएल राहुल इस मामले में सबसे आगे हैं। आईपीएल में बतौर भारतीय बल्लेबाज सबसे कम पारियों में 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम दर्ज है। उन्होंने महज 80 पारियों में ये उपलब्धि अपने नाम की हुई है, जबकि शुभमन गिल ने 94 पारियों में 3000 रन आईपीएल में पूरे किए थे। वहीं सुरेश रैना और ऋषभ पंत को 3000 रन तक पहुंचने के लिए 103 पारियां लगी थी। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 109 पारियों में 3000 रन बनाए हैं। इतनी ही पारियों में रोहित शर्मा और शिखर धवन ने भी 3000 रन बनाए थे। वहीं गौतम गंभीर और विराट कोहली को 110 पारियां लगी थी। श्रेयस अय्यर ने सोमवार 29 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल 2024 के 47वें लीग मैच में 23 गेंदों में 33 रन की नाबाद पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। इसी पारी के दौरान जब श्रेयस अय्यर ने 6 रन बनाया, वैसे ही उनके आईपीएल में 3000 रन पूरे हो गए। वे आईपीएल में 3000 या इससे ज्यादा रन बनाने वाले कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए। 2015 में उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया था, उस समय वे दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते थे। अब वे कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा है।